सर पहले भी मैंने प्रदीप यादव के अगेंस्ट FIR करवाई है, जिस पे पोस्को एक्ट लगे हैं उस पे, और वहाँ से सेंट्रल जेल हुई थी, उसके बाद बेल पे वो छूटा है, और लगातार मुझे धमकी मिल रही है कि तो केस ले ले वापस वरना तेरे को जान से मार दूंगा, एसिड फेंकने तक की धमकी दी है, मेरे फ़ोन पे है उसके मैसेजेस वगैरह सब है। और मैंने सर से पहले भी उस शिकायत की थी कि सर मेरे को जान से मारने की धमकियाँ मिल रही है। आज मेरे को 10 से 11 दिन हो गए, ना ही उसे रिमांड पे लिया गया, ना पूछताछ की है, बस मेरे बयान लेके वो फाइल रख दी गई है अलवर गेट थाने में, और कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और मैं चाहती हूँ कि उस पर कार्रवाई हो, और मैं दोबारा सर के पास आई हूँ शिकायत में। आपको क्या अंदेशा है, क्या हो सकता है आपके पास? सर वो मुझे मार डालेगा अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो, क्योंकि वो क्रिमिनल है, पोस्को एक्ट और चोरी के जैसे इल्ज़ाम पहले भी लग चुके हैं उस पर। आपको धमकी किस तरीके से दी है उसने? सर वो आता भी है, वो उसको मेरा एड्रेस नहीं पता, मोबाइल में है उसके मैसेजेस, पहले भी उस पर कंप्लेन की हो चुकी है, पर ये सर कोई कार्रवाई नहीं करते, बस मुझे बोल दिया जाता है हम करेंगे बाद में, सर ऑर्डर देंगे जब करेंगे, जब मुझे मार दिया जाएगा तब करेंगे वो। कौन सा थाना है? अलवर गेट थाने में रिपोर्ट करवाई है जी, मैं एक हफ्ते से जा रही हूँ वहाँ पर।